This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 20 मई 2022 और मैं निशा लेकर आई हूँ कागज नगर की ताजा तरीन खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइन से। कागज नगर म्यूनिसिपैलिटी में डिजिटल टैक्स पेमेंट, सिरसिल्क में गड्ढों में फंसती गाड़ियां, निजामाबाद की निखत ने जीता गोल्ड, पेद्दावागू पुल को लेकर बीजेपी और टीआरएस आमने सामने, सर्पमित्र साई। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डिजिटल इंडिया के इस दौर में कागज नगर म्यूनिसिपैलिटी भी डिजिटल होने लगी है। बिना किसी लाइन में लगे हुए किसी भी प्रकार के टैक्स भरने के लिए कागज नगर म्यूनिसिपैलिटी ने क्यूआर कोड जारी किया है। आइए देखते हैं कागज नगर म्यूनिसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन का बयान। रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी, केटीआर साहब जो हैदराबाद में मीटिंग लिए थे, उसमें एक जो है सो खुसूसी एक बात उन्होंने कही थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक था कि भाई ये डिजिटल का जमाना है, गो डिजिटल, आप डिजिटलाइज करिए अपने म्यूनिसिपालिटी को बोल के बताए थे। और आज आप देख सकते हैं जो केटीआर साहब और केसीआर साहब और एमएलए कोनेरुकोनापा साहब तमाम लोगों के जेरे निगरानी में, कमिश्नर साहब और तमाम स्टाफ आज यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि भाई कागज नगर में भी एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म को अमल में लाया गया है। कागज नगर की आवाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अब आप आपके फोन पे, गूगल पे, जो भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड से, उससे जो सो आप कागज नगर म्यूनिसिपल में भी अपने बिल्स को पे कर सकते हैं, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का हो, चाहे वो ग्रीवियंस का हो, जो भी है आप अभी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ये बैंक्स में भी जो है सो ये इस तरीके के वो लगाए जाएंगे और कागज नगर के म्यूनिसिपल के एंट्रेंस में जो ग्रीवियंस रूम बोलते हैं, उसमें भी जो है सो ये आपको अवेलेबल रहेगा। आप जब भी चाहे डायरेक्ट आके, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है डिजिटलाइज में, उस तरीके से आज कागज नगर के म्यूनिसिपालिटी में भी एक डिजिटल जो है सो क्यूआर कोड जो यहाँ पर लगाया जाएगा, आप आपके पेमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं, आपका वक्त भी बचेगा और जल्द से जल्द आपका काम भी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कागज नगर की आवाम जो है सो अभी डिजिटलाइज हो गई है तकरीबन और पेमेंट भी इससे करना शुरू कर। कल सिरसिल्क चौक पर काफी बवाल देखा गया। मिशन भगीरथ के पाइपलाइन का काम शुरू हुआ, जिसके बाद रास्ते पर बने गड्ढों को मट्टी से भरा गया। मट्टी भरने आया ट्रैक्टर उसी गड्ढे में फंस गया। ट्रैक्टर को निकाले जाने के बाद इन गड्ढों में कभी ऑटो फंसता दिखाई दिया तो कभी कारें फंसती हुई दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने इसका कारण खराब क्वालिटी का चिकनी मिट्टी को बताया। ठेकेदार की इस लापरवाही के कारण कल ये दुर्घटनाएं चर्चा का विषय बनी रही। निजामाबाद की लड़की निखत जरीन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। थाईलैंड की अपनी प्रतिद्वंदी को हराते हुए निखत ने ये जीत दर्ज की। ये तुर्की के इस्तांबुल में हुई। पेंची कल्पेट और दहीगांव के बीच पेद्दावागू नदी पर ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। इस ब्रिज को बनाते हुए 18 साल बीत गए, लेकिन ये ब्रिज अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने भी भाग लिया। डॉक्टर पालवाई हरीश अपनी टीम के साथ इस आंदोलन में पहुंचे। इसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास भी पहुंचे। उनके पहुंचते ही टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष को घेर लिया। पहले तो हाथापाई हुई, इसके बाद में टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास की कार तोड़ दी। इसके बाद आंदोलन में पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस के आते ही टीआरएस के कार्यकर्ता भाग गए और पुलिस ने भाजपा नेता डॉक्टर पालवाई हरीश को हिरासत में ले लिया। इस घमासान के बाद शाम को कागज नगर के बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्रीनिवास, पालवाई हरीश और सुहासिनी सिद्धम शेट्टी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और ब्रिज बनाने के काम में हो रही देरी के लिए विधायक कोनेरुकोनप्पा को शक्तिहीन और समर्थ बताया। साथ ही टीआरएस पार्टी के गुंडागर्दी की निंदा भी की। टीआरएस सरकार पर पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। कागज नगर में अक्सर कई घरों में सांप दिखाई देते हैं। इनमें से कई सांप काफी खतरनाक और जानलेवा भी होते हैं। ऐसे में यदि आपको सांप से छुटकारा पाना है तो आप कागज नगर के विख्यात सर्प मित्र साई को फोन कर सकते हैं। ध्यान से उनका नंबर नोट कर लीजिए, 9866018741।
सांप पकड़ने के लिए साई एक मामूली रकम की फीस भी लेते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ना किया हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नए वीडियोज आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबरों के साथ। धन्यवाद।